बस बहुत हुआ, और भी शादियां होनी है। पंडित जी आप फेरे शुरू कीजिए। रुकिए। ये सब के सब पुलिस वाले हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। शायद यहाँ पे पुलिस आ सकती है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। वो शायद आप लोगों से पूछे कि आपकी उम्र क्या है, आपको शादी के लिए मजबूर तो नहीं किया जा रहा है, आप लाचार तो नहीं हो, हैं? आप बालिग हो या ना बालिग हो। और अगर आप लोगों ने सच बता दिया तो मेरा तो कुछ जाने वाला नहीं है, लेकिन आप लोगों के माँ बाप जेल में चले जाएंगे। इसलिए मैंने जो आपको सर्टिफिकेट दिए है उसमें जो उम्र लिखी है वही आपको पुलिस को बतानी है, समझ गए ना? अरे बैठो 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 बैठो, आप लोग अभी कोई चिंता की बात नहीं, बैठो, मेकअप करो आप। ओ मैडम मेकअप करो। बाकी सब तो ठीक है, पर इसे देखकर कोई नहीं मानेगा कि ये बालिग है। ये लोग सब पुलिस वाले हैं। अरे आपको तो पता है ना कि हम पुलिस में हैं। अब पुलिस वाले की शादी में पुलिस वाला नहीं आएगा तो और कौन आएगा? चंबल का डाकू बताइए, डाकू थोड़ी आएगा। बंद करो ये नाटक, मैं जानता हूँ ये किसकी करतूत है। इन पुलिस वालों को तूने ही बुलाया लता। काश कि ये बात सच होती, लेकिन अफसोस लता ने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर लता ने हमें यहाँ बुलाया होता तो इस तरह चुपचाप यहाँ बैठकर अपने ख्वाबों की बलि चढ़ते हुए नहीं देखती। लेकिन अफसोस कि ये आप ही की बेटी है और अपने सपनों से ज्यादा आपसे प्यार करती है। एक बेटी ही ऐसी कुर्बानी दे सकती है। आज हम यहाँ आए थे ताकि ये साबित कर सकें कि ये बच्ची नाबालिग है और ये शादी गैर कानूनी। और आप ये साबित कर नहीं पाए? बदकिस्मती से नहीं, लेकिन तसल्ली इस बात की है कि कम से कम आज तो लता की शादी नहीं होगी। आप आज ये शादी रोक सकती हैं, लेकिन हमें नहीं रोक सकती। आज नहीं तो कल ये शादी जरूर होगी। आप क्या है मैडम, आप क्यों आप यहाँ पे आई हो? अरे शांति से जीने क्यों नहीं देती हमें? ये सब कौन है? वो सारी खुशनसीब लड़कियां हैं जिनकी आज शादी होने वाली है। देख शुक्ले, हाँ? अभी भी वक्त है, तू सुधर जा, फिर बाद में मत बोलना कि हमने तुम्हें मौका नहीं दिया। जाने दे नाबालिग बच्चियों को, वरना वो मार मारेंगे कि जब भी मुंह खोलोगे एक ही बात बोलोगे, दरोगा जी देखे तो बहुत, तुमसा नहीं देखा। अरे मैडम मैडम मैडम, आप क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई है? अरे ये सारी लड़कियां बालिग नहीं मान रही, अभी बताते हम आपको। मैडम ये देखिए लड़कियों के बर्थ सर्टिफिकेट, उसमें एज भी लिखी हुई है, हाँ बराबर है। और ये देखिए मैडम, यहाँ पे ये मैरिज फॉर्म है जो लड़कियों ने खुद अपने हाथों से भरे हैं, और नीचे सिग्नेचर भी उन्होंने खुद ने किए हैं। फिर भी एक कसर रह गई हो तो आप खुद इनसे पूछ सकती हो। ठीक है, लाइन में लगी सर, आइए सब लाइन में लगी। आजा आजा, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी बिल्कुल, आओ लाइन पे लग जाए। अभी ये इनकी भी पीपी किट निकलवाए या ब्यूटीशियन है, यानी मैच्योरिटी होगी। पूछिए। अपना मास्क हटाओ, अपना नाम और सही उम्र बताना। नाम मानवी, उम्र 19 साल। नाम प्रियंका, उम्र 19 साल। ये शादी आज ही होगी। रुकिए, शर्म आनी चाहिए आपको खुद को इस बच्ची का बाप कहने में। आप क्यों जानबूझकर इस छोटी सी मासूम बच्ची को जिम्मेदारियों की भट्टी में झोंक रहे हैं इस तरह? हाँ यही नसीब है हमारा, और इसका नसीब भी उसी दिन लिखा गया था जिस दिन ये इस गरीब के घर में पैदा हुई थी। बड़ा आसान है आपके लिए ये बड़ी बड़ी बातें करना, क्योंकि आपका पेट भरा हुआ है ना। तभी हमारी तरह हर रोज जिंदगी के जबड़े से एक वक्त की रोटी निकाल कर देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि लड़कियां हर एक घर में उजाला नहीं होती। लड़कियां उजाला भी उन्हीं घरों में होती हैं जहां दियों में तेल होता है, और हमारे लिए तो ये लड़कियां सिर्फ बोझ हैं। क्योंकि आपने कभी उसे मौका ही नहीं दिया।
अगर दिया होता तो समझ पाते कि जिस लड़की को आप बोझ समझ रहे हैं वो पूरे परिवार का बोझ उठाने का मादा रखती है। नाम आई उम्र 20 साल। नाम श्वेता उम्र 18 साल। नाम दिशा उम्र 20 साल। बस मैडम अब तो आपको तसल्ली हो गई ना, अभी चलो आपको जो भी धारा लगानी है वो लगा दीजिए वरना हम लोगों को यहाँ से जाने दीजिए। अरे मंडप में शादी करवानी है आज का आज। हाँ एक बार उस पर भरोसा किया होता, उसकी काबिलियत को एक बार मौका तो दिया होता। मैडम ये सब सिर्फ किताबी बातें हैं, सच्चाई से कोसों दूर। हेलो जी, ओके ग्रेट, थैंक यू। तजुर्बा कहता है हमारा, चोटी का इरादा रखने वाले कभी रोटी की परवाह नहीं करते, क्योंकि उसका ध्यान रखने के लिए ऊपर कोई बैठा है। जब पहली बार हमने लता के मार्क्स देखे थे तभी हमने उसकी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया था। संतोष शर्मा, लता के डिटेल्स निकालिए और ये कुछ कॉलेजेस की लिस्ट है, यहाँ पर उसके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करिए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में हमारा नंबर लिखिएगा। आप सबको जानकर ये खुशी होगी कि लता की एप्लीकेशन मंजूर हो गई है। छोटा साइज का सैंडल, क्या हुआ मैडम? हाँ शुक्ला तो यहाँ है। चुप। अरे कुछ नहीं है वहां मैडम। अब आपको लता की पढ़ाई की, पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ स्कॉलरशिप देख लेगा। अब तो मान जाइए कि लड़कियां बोझ नहीं होती। मेरी बेटी के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं वो मैं डिसाइड करूंगा। पापा उनकी बात तो सुन। तू चुप कर लता, अभी तो ये हमारे सगे वाले बन रहे हैं, एक बार इनका काम खत्म हो गया ये हमारा चेहरा पहचानने से इनकार कर देंगे। मैं बाप हूं तेरा, जो कर रहा हूं तेरे भले के लिए कर रहा हूं। ये शादी होगी और अभी होगी। नहीं होगी शादी। लता की शादी तब होगी जब लता चाहेगी। आज लता ठीक उसी जगह पर खड़ी है जहां कई साल पहले मैं खड़ी थी। मैं भी पढ़ना चाहती थी, लिखना चाहती थी, अपनी पहचान बनाना चाहती थी। फिर मेरे घर वालों ने मेरे हाथ से किताबें छीनकर किसी और के झूठे बर्तन मेरे हाथ थमा दी। लेकिन यह सब कुछ मेरी बेटी के साथ नहीं होगा। ये पढ़ेगी, अपनी पहचान बनाएगी, अपने सपने पूरे करेगी। देखती हूँ कौन रोकता है इसे। अब तो समझने की कोशिश कीजिए, जब एक आदमी शिक्षित होता है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, लेकिन जब एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा समाज शिक्षित होता है। पढ़ने दीजिए लता को,
जीने दीजिए उसे इसकी जिंदगी। क्यों क्यों बन रहे आप अपनी ही बेटी के दुश्मन? पापा प्लीज। हाँ मास्क उतारो अपना। नीचा ये कौन है? पास पड़ोस की कोई लड़की होगी, खेलते खेलते यहाँ पे आ गई होगी, यहाँ पे छुप गई होगी। मैया की गंगा। हाँ तो हाँ मैडम सर। करिश्मा सिंह केस सॉल्व हो चुका है। मतलब? लता के पेरेंट्स मान गए हैं। अब आपको शुक्ला को मार पीट कर सच उगलवाने की कोई जरूरत नहीं है। आप तुरंत यहाँ वापस आइए, हम लीगली अब एक्शन ले सकते हैं। सॉरी मैडम सर, लेकिन शुक्ले के साथ जो होना था वो हो चुका है और अभी अभी एम्बुलेंस उनको लेकर ना हॉस्पिटल पहुंची है। अगर बचेगा तो कार्रवाई भी कर लेंगे। क्या? नहीं, 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 रुकिए सुनिए आप। क्या हुआ? हमने जब आपको बता दिया था कि केस सॉल्व हो चुका है तो फिर क्या जरूरत थी शुक्ला को इतना मारने पीटने की? जरूरत था मैडम सर। आपके तरीकों से शुक्ला जैसे लोगों को सिर्फ सजा मिलता है, लता जैसी लड़कियों को इंसाफ नहीं, और इंसाफ हमने दिलाया उनको। अब जब जब वो शुक्ले का बच्चा करवट बदलेगा ना तो उसे हमारा मार याद आएगा, और उसको पता है कि अगर उसने दोबारा ऐसा कोई गलती करने का कोशिश किया तो हम उसे जमीन में रेंगने लायक नहीं छोड़ेंगे। अगर सब आपकी तरह सोचने लगे फिर तो हो गया जंगल राज। सब अपनी ही अदालत खोलेंगे, अपना ही इंसाफ खुद करेंगे। हम आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं करिश्मा सिंह, बदलिए खुद को और अपने इस गुस्से को काबू में करिए। कोई चांस नहीं है मैडम सर। किसी को तो बदलना होगा ना करिश्मा सिंह। आप नहीं बदलेंगी, आपके लिए हम नहीं बदलेंगे, हमारे लिए सरकार और उसके नियम और कानून नहीं बदलेंगे। आप भूल जाती हैं करिश्मा सिंह कि हम आपके सीनियर हैं, आपको हर हालात में हमारे सारे ऑर्डर्स फॉलो करने ही होंगे। इसलिए आज के बाद अगर आपने हमारी किसी भी बात को अनदेखा किया तो क्या कर लेंगी मैडम सर आप? हमें सस्पेंड कर देंगी ना? कर दीजिए। वैसे भी कब से आजाद होना चाह रहे हैं हम यहाँ से? सस्पेंशन? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं।
फिर तो आप हमारे किसी काम की नहीं रहेंगे करिश्मा सिंह। हम आपको यहीं रखेंगे इस थाने में, लेकिन डेस्क जॉब पर। फिर उस डेस्क को जितना मारना पीटना है, जो करना है करिए, कोई कुछ नहीं कहेगा। भाग साला। बहुत बढ़िया करिश्मा सिंह, फाइनली हमें यहां से जाने का मौका मिल गया है। I'm out of आदमी, ये पकड़ो। थैंक यू मैडम। चाय वाला और बिरयानी वाले का हिसाब सेटल कर देना। थैंक यू। हमारा एग्जाम क्लियर होने के बाद ना, हमारा प्रमोशन अपने साथ साथ तबादला भी लेकर आएगा, और फिर हम होंगे अपने थाने के SHO। फाइनली हमें ये जज्बातों की जो आइडियोलॉजी है, इससे मिलेगी छुट्टी। करिश्मा मैडम, करिश्मा मैडम, हे भगवान, ये दिन देखने के पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया भगवान। ए बिल्ले, चुप कर। ये भी कोई रोने वाली बात है? जब देखो तब रोना धोना नौटंकी। हम तो कब से इंतजार कर रहे थे इस दिन का। हमारे कहने का मतलब ये है कि ये तो गर्व की बात है ना हमारे लिए। जब करिश्मा मैडम SHO बनेंगी तो सब लोग यही कहेंगे, हमारी बहू SHO है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको करिश्मा जी। धन्यवाद पुष्पा जी। इसीलिए तो हमने पहले ही छुट्टी ले लिया एग्जाम के लिए, ताकि हम अच्छे से तैयारी कर सके और आप सबके साथ साथ ना इस थाने का नाम भी रोशन कर सके। जी करिश्मा मैडम, आप ये सब भूलिए और अपनी एग्जाम की तैयारी कीजिए। अरे हम भी यही कहने वाले थे, सेम टू सेम। हम लोग का सोच कितना मिलता जुलता है संतोष जी। अम्मा तुम ना इम्प्रेस करना सीखो, कॉपी नहीं। चलो अभी हम चलते हैं, और मौका मिला तो बीच बीच में आते रहेंगे। टाटा बाय बाय। बाय। कैन आई हेल्प यू? नो थैंक यू। वेलकम। चलो बाय बाय, ध्यान रखना अपना। बाय बाय। देखना हमारे बहुरानी ना अपनी परीक्षा में एकदम फोकाल मचा देगी। Excuse me, ये करिश्मा जी की टेबल कौन सी है? आप कौन, एस्ट्रोनॉट? जी नहीं, मैं सैनिटाइजेशन डिपार्टमेंट से हूँ। उस तरफ। जी। तो संतु, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं कि नहीं? ये आपके दिमाग में अचानक लड़का कहाँ से आ गया? अरे तो क्या हुआ, बड़े हैं तो चिंता तो होगी ना। अब तो तुम्हारी उम्र भी हो गई है शादी की, तो कर लो ना। हर चीज ना सही वक्त पर हो तो ही अच्छी होती। हाँ ठीक, वैसे जैसे आपकी लल्ला की शादी एकदम सही वक्त पे हो गई थी, है ना? अब वो वक्त याद ना दिलाओ हमको, तुम अपना कहो। घर वाले लड़का ढूंढ रहे हैं, पर कोई मिले तब ना। जैसे कॉलेज में एक लड़का मुझे पसंद था, पर फिर वो स्केच आर्टिस्ट निकला। तो इसमें बुराई क्या है? बुराई क्या है, फोर्थ स्टैंडर्ड का बच्चा उसे ज्यादा अच्छा स्केच बना ले तो मैंने क्रॉस मार दिया उस लड़के पे। अब जो किस्मत में होगा ना पुष्पा जी, वो मिल जाएगा। वो तो है। अरे ओ भाई साहब, तब से यार देख रहे तुमको, तुम यहीं पे लगे हुए हो। और भी गंदगी है भाई, और जगह साफ सफाई करो। ए जीते रुक। अरे करिश्मा मैडम के डेस्क के बगल में बिल्लू निवास है, तू सफाई यहीं से शुरू होगी, समझा? ए बिल्लो चुप।
देखिए मिश्री मैडम ने मुझे उनका टेबल सैनिटाइज करने के लिए बुलाया है, पूरा थाना नहीं। अब ये कौन है भाई मिश्री? हाँ ये डेस्क हमारी करिश्मा मैडम की है जी, है नहीं ये थी, लेकिन अब मिश्री मैडम जी की है। मतलब लगता है आपको न्यूज मिली नहीं अभी तक। डिपार्टमेंट ने करिश्मा मैडम की जगह मिश्री मैडम को भेजा है यहाँ SI की पोस्ट के लिए। Oh, I see. What is? कहते हैं यूपी पुलिस में अगर किसी ने ग्लैमर ऐड किया है तो वो है हमारी मिश्री मैडम। छोड़ दे, आखिर हेलमेट ही तो नहीं पहना, किसी का खून थोड़े ना कर दिया है। वही तो। चलो अब तुम्हारा फैसला भी हम भगवान पर ही छोड़ देते हैं। देखो अगर टेल आया तो निकल लेना ठंडे ठंडे, लेकिन अगर हेड आया तो ₹1000 का दान करके जाना पड़ेगा। बोलो मंजूर? हाँ। ये आया हेड। अरे रे, अब भगवान भी यही चाहते हैं कि तुम आज ₹1000 का दान करके ही जाओ। निकालो। ये हुई ना बात, निकलो। तो कब आ रही है आपकी ये मिश्री मैडम यहाँ चार्ज लेने के लिए? में नया दरोगा। आ गई मैडम। जय हिंद। सफाई हो गई मैडम, सब चकाचक कर दिया। वेरी गुड। पौधे भी लाए हैं आपके लिए, गुड लक वाला। बहुत ही बढ़िया। तो हम चलते हैं मैडम। हाँ जी, जय माता दी। तो चलते हैं मैडम। अरे हाँ, सुन लिया, कब से चल रहे कर रहे हो, जरा चल के भी दिखाओ। मैडम पेमेंट? पेमेंट? अरे हमसे पेमेंट मांग रहे हो? पुलिस वाले से? अरे पुलिस वाले से कोई पेमेंट लेता है क्या? बल्कि उन्हें देना चाहिए, का समझे? अच्छा जाने दो, भगवान से ही पूछ लेते। देखो तेल आया तो डबल पेमेंट लेके जाओगे, लेकिन अगर हेड आया तो पुलिस वाले की सेवा समझ के भूल जाओगे। मंजूर? चलो। लो ये तो हेड आ गया, देखा भगवान की भी यही मर्जी। चलिए जय माता दी। रुको, लोग यहां न्याय की उम्मीद से आते हैं, अन्याय सहने नहीं। कितना हुआ जी? 500। जय हिंद मैडम। जय हिंद।
भाई कौन हो तुम? सब इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह। अच्छा आप हैं जिनकी जगह पे हम आए हैं। लगता है आप उनको पहचान दी नहीं तभी इतना दुस्साहस कर बैठी। अगर जान लेती कि हम किस फैमिली से हैं, कहां तक की पहुंच है हमारी और इस डिपार्टमेंट में कितना वजन है तब शायद आपकी हिम्मत नहीं होती हमारी जेब में यूं हाथ डालने की। पहले जान लीजिए फिर उलझिए। भाई हम तो आपके भले के लिए बोल रहे हैं वरना हम तो मिस्री है। पान में मिलाओगे तो शहद और मुलेठी में मिलाओगे तो जहर। भूलिएगा मत वरना चेहरे से तो आप खुद ही समझदार नजर आ रही है। आइए आपको हमारा काम हैंडओवर कर देते हैं। हाँ सर आई अंडरस्टैंड लेकिन करिश्मा सिंह अभी लीव पर है। वो एग्जाम देंगी उसे क्लियर करेंगी फिर उनका प्रमोशन होगा और फिर जाकर ट्रांसफर होगा। उसके पहले ही आपने यहाँ पर किसी को भेज दिया और वो भी बिना किसी प्रायर नोटिस के। हमें तो अंदाजा भी नहीं था सर। सर आई एम सो सॉरी बट दिस इज नॉट फेयर। ये एब्सोल्युटली गलत है। हमें कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। मिस मलिक ये मेरा नहीं डिपार्टमेंट का ऑर्डर है और यहाँ पे सबको पता है कि करिश्मा सिंह और आप में आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। और वैसे भी करिश्मा सिंह लंबी लीव पे गई है। अब उनकी पोस्ट संभालने के लिए कोई तो चाहिए। देखिए मिस मलिक डिपार्टमेंट ने ये बहुत सोच समझकर फैसला लिया है। एंड यू प्लीज फॉलो द प्रोसीजर। ओके सर। ये वो फाइल है जिनकी सुनवाई अभी चल रही है और ये वो जिनकी तफ्तीश जा रही है। जय हिंद मैडम सर। करिश्मा सिंह ये सब क्या है? करिश्मा सिंह आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया? अगर आप ऑब्जेक्शन लेती तो ये ट्रांसफर रुक सकता था। आप ऑफिशियल लीव पर हैं ये आपका राइट है। इस तरह से आपकी जगह किसी और को पोस्ट करने का डिपार्टमेंट को कोई अधिकार नहीं। डिपार्टमेंट ने वही किया मैडम सर जैसा आप चाहती थी। पर इतना जल्दी भी क्या था? थोड़ा वेट तो कर सकती थी ना आप। तो आपको लगता है ये सब हमने किया? क्या फर्क पड़ता मैडम सर। लेकिन बस हमें ये नहीं पता था कि आप इतना जल्दी हमारा रिप्लेसमेंट ढूंढ लेंगी। वैसे सही किया, ये बेस्ट है आपके लिए। आप भी मिस्री ये भी मिस्री सब मीठा मीठा। क्रिमिनल्स जो है ना बेचारे डायबिटीज से मर जाएंगे। थोड़ा अलर्ट रहिएगा मैडम सर। जैसा दिखती है ना वैसा है नहीं ये। तुमने कहा था ना कि हम शक्ल से बहुत समझदार लगते हैं। शक्ल से ही समझदार है वैसे नहीं है। अगर वैसे होते ना तो पहचान जाते कि कौन किस फैमिली से आ रहा है, क्या बैकग्राउंड से आ रहा है और इस डिपार्टमेंट में कितना दम रखता है। गलत देखते हैं तो गलत के सामने एकदम से खड़े हो जाते हैं। खोड़ते पहले हैं समझते बाद में हैं। क्या करें इनबिल्ट प्रॉब्लम है। बाकी तुमको तो हम जान नहीं पाएंगे क्योंकि हम छुट्टी पर जा रहे हैं। तुम तो यहाँ रहोगी इस थाने में तो करिश्मा सिंह और उसके भौकाल को बहुत अच्छे से जान जाओगी। वेलकम टू महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। जय हिंद मैडम सर। ये जैकेट और ये नेल पॉलिश हमें दोबारा नहीं दिखना चाहिए। अपनी वर्दी की इज्जत करना सीखिए। सॉरी मैडम सर। अपनी फाइल लेकर हमारे केबिन में आइए। इम्प्रेसिव, आपका ट्रैक रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है। आपने कांस्टेबल की पोस्ट से शुरुआत की फिर हेड कांस्टेबल और फिर सीधा एसआई। बहुत कम समय में बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है आपने।
थैंक यू मैडम सर, बस हम तो पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ अपनी ड्यूटी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। गुड गुड, वेरी गुड। चलिए फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा काम की बात। बिल्लो, बहुत दिनों से कंप्लेंट्स आ रही हैं कि लोगों को नकली दूध सप्लाई किया जा रहा है, जिस वजह से उन्हें हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। अरे रे, दूध में जानलेवा केमिकल मिलाकर लोगों को बेचा जा रहा है, जिससे वो बहुत ज्यादा गंभीर हालत में बीमार हो रहे हैं। जब हमने डिटेल में पता लगाया तो पता चला कि एक गैंग है जो इस मामले में इलीगली इन्वॉल्व्ड है। हमें इस गैंग को पकड़ना होगा और इस मामले को खत्म करना होगा। जी निवास त्रिपाठी, इस केस की सबसे अहम कड़ी जो इस फाइल में है, यही पहुंचाएगा हमें इस गैंग तक। जी देखिए, आप इसके बारे में क्या पता कर सकती हैं एंड गेट बैक टू मी। बिल्कुल, यू मे लीव। मैडम सर, हम आपसे कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ हाँ कहिए। बहुत सुना है आपके बारे में और आपके सारे केस स्टडी किए यहाँ पोस्टिंग होने से पहले। बहुत प्रभावित है हम आपसे, और आपका वो जो जज्बातों वाला आइडियोलॉजी है ना, आय हाय हाय, वो तो मतलब दिल को छू गया। 100% सहमत है हम आपके विचारों से। अरे ऐसे ही होना चाहिए। अरे जज्बातों से मैडम जी सब कुछ बदला जा सकता है, वरना डंडे का क्या है, उससे तो जानवर भी हाँके जाते हैं। लेकिन आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम इस केस को आपके तरीके से ही हैंडल करेंगे। पहला केस है हमारा और आप हमारी आइडल है, तो आपकी परमिशन हो तो हम आपके चरण छूएं। नहीं नहीं नहीं, यानी ये देखिए, आप पुलिस ऑफिसर हैं, प्लीज बिहेव योरसेल्फ, हमें ये सब पसंद नहीं। हाँ, कैसी चापलूस है। यस चीता चतुर्वेदी। मैडम सर वो बोलिए बोलिए। मैडम सर वो जो हेडक्वार्टर में नए वाले वॉकर के, क्या वॉकी टॉकी के लिए हम लोगों ने अर्जी दी थी ना, वो खारिज हो गया है। अरे रे, डिपार्टमेंट ऐसी छोटी छोटी चीजें भी सप्लाई नहीं करेगा तो कैसे चलेगा। मैडम सर आपकी इजाजत हो तो ये काम हम करवा दे। आप? हाँ, अरे हमारे चाचा जी है ना, वो हेडक्वार्टर में ही तो काम करते। हम उनसे कह देंगे, आप बस हमें बता दीजिए कि आपको कितने वॉकी टॉकी सैंक्शन करवाने हैं। Are you sure? Very much sure, मैडम सर। अब आपके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। थाने के लिए? हाँ, थाने के लिए। ठीक है फिर, अगर आप करवा सकती हैं तो करवा दीजिए, that's fantastic। अगर कर ही रही हैं तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा जल्दी हो जाए, ऑलमोस्ट सारे वॉकी टॉकी खराब हो चुके हैं। सब? जी बिल्कुल मैडम सर, डोंट वरी, हम कल के कल सारी डिलीवरी करवा देंगे। जय हिंद मैडम सर। क्या क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए इस केस में हमें? मुझे तो लगता है हमें सबसे पहले प्लानिंग करनी चाहिए। क्या नाम क्या बताया आपने अपना? बताया नहीं अभी मैडम। और बताती तो क्या बताती? संतोष शर्मा। संतोष, तो आपका ये कहना है कि हमें सबसे पहले प्लानिंग करनी चाहिए। ऑफ कोर्स। और संतोष हम ये कहे कि हम इस वक्त वही कर रहे हैं तो? तो मैडम मैं आपको धन्यवाद कहूंगी कि मेरा सुझाव आपने इतना जल्दी मान लिया। वाह संतोष, तो हमने एक इंग्लिश फिल्म में देखा था कि एक अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस वाला खुद अपराधी की जिंदगी जीता है। कौन सी फिल्म? तो आप ये कह रही हैं कि हम लोग भी दूध वाला बन जाएं? अरे क्यों नहीं, तुम तो लगते भी हो। संतु जी, अरे दूध वाला बनने से अगर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है तो क्यों नहीं। मैडम जी, मगर हमको लगता है कि अगर कानपुर जाना है तो बेंगलोर जाके क्यों जाए, सीधा सीधा कानपुर जाए तो। पुष्पा जी,
बड़ी क्यूट है आप। इसीलिए हम कहते हैं कि घर में एक बुजुर्ग का होना कितना जरूरी है। ऐसी अकल की बात सिर्फ एक बुजुर्ग ही कर सकता है। पुष्पा जी क्या बात है, क्या बात। इतने भी बुजुर्ग नहीं है हम। नहीं 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 नहीं, आप बिल्कुल सच बोल रही है। देखो अब यही होगा, हम जाते हैं निवास त्रिपाठी पर नजर रखने के लिए। और हम क्या करेंगे फिर? हाँ वो भी है, पगार मिल रहा है तो काम तो करना पड़ेगा भाई। आप एक काम कीजिए पुष्पा जी, आप लखनऊ की टेलीफोन डायरेक्टरी निकालिए और उनमें से फोन लगाइए और पूछिए उनको कि उनके घर में जो दूध आता है कहीं उनको शक तो नहीं कि उसमें मिलावट है। मगर डायरेक्टरी में से किसको फोन लगाए? सबको। हाँ सबको, मतलब वो डायरेक्टरी पूरा सबको? सबको। अगर हाँ कहा तो उनका नाम और पता सब नोट कर लीजिएगा। नहीं नहीं, मगर ये सब करके होगा क्या? अरे मैडम सुनो, आई एम बिल्लू द स्पाई। लखनऊ में कब कहा क्या हो रहा है सबकी खबर इंफॉर्मेशन मैं रखता हूँ। इसीलिए तो हसीना मैडम कोई भी फैसला लेने से पहले मेरी इंफॉर्मेशन जरूर लेती है, क्योंकि मैं हसीना मैडम का खास आदमी हूँ। हाँ ठीक है तुम पे बाद में आते हैं। हैं? पुष्पा जी आपको जितना कहा है उतना कीजिए ना। क्या है ना, सीनियर से ज्यादा सवाल नहीं पूछते। जी मैडम। डोंट वरी मैडम, हम सब मिलके कर लेंगे। ना 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 ना, तुम लोग इतनी तकलीफ क्यों उठाओगे, तुम्हारे लिए तो बड़ा ही आसान सा काम है। तुम दोनों थाने के रिकॉर्ड रूम में जाओगे और सारे अपराध और अपराधियों की फाइल्स चेक करोगे और देखोगे कि कहीं उसमें से कोई निवास त्रिपाठी का रिश्तेदार तो नहीं। मतलब जितना सारा सारे, और ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। यार हेलो। हाँ जी हम पुष्पा सिंह बोल रहे हैं, महिला पुलिस थाने जनपद लखनऊ। नहीं नहीं नहीं, सुनिए तो, डरने की कोई बात नहीं है, ये तो बस रूटीन पूछताछ चल रही हमारी। हाँ जी हाँ, एक बात बताइए हमको, आपके घर में जो दूध आता है ना तो उसमें कोई मिलावट होती है? चीते तू वहां देख। हेलो, हाँ आप सुनाई दे रहे हैं? दूध, हाँ। कितनी फाइल्स बची है और बताओ? बस यही कोई 3-4 हजार। और अरे हम और जोर से नहीं बोल सकते, हमारा गला बैठ गया बात कर करके। क्या करे, ठंड हो गई है भैंस की जिंदगी। अब हमारे प्रोफेशन में सारे रास्ते इस कचरे में से निकलते हैं ना, मार डुबकी इस कचरे में। ओ तेरी, ये क्या है बे? दे दे, आवाज देने के बाद क्या चिप रहा है बे? दिखा तभी आवाज दिया ना। चड्डे, ये क्या? ए कचरा चोर, पुलिस पुलिस पुलिस। चुप चुप, क्या सबको पता चलना चाहिए। ये देखिए सनी चंडा की सनसनी खेज, दिन में न्यूज रिपोर्टर का कार्ड गले में टांग कर घूमने वाला, रात में कचरा पीने का काम कर रहा है। गौर से देखिए इसे, कचरा चोर। पहले तो ये बता बाहर क्या कर रहा है बे? वो नई मैडम आई है ना मिस्त्री मैडम, उसने मुझे अपनी बिल्ली निवास से बाहर कर दिया। मेरा बिल्ली निवास। चड्डे तेरा ही सहारा है, तू मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर तो मैं वापस अपने बिल्ली निवास में चला जाऊंगा।
करेगा ना कंप्लेन? अरे पागल है क्या, नकली कंप्लेन करने का मतलब समझता है? देखिए ये कचरा चोर चंडा करता हूँ कुछ जुगाड़। जुगाड़ नहीं कंप्लेन। हाँ कंप्लेन, अब तो निकल मैं अपने काम पे लगता हूँ। ए चड्डे, इसके पीछे ना और बहुत बड़ा डस्टबिन है, वो भी साफ कर देना ठीक है? चीता बदनाम भाई, हमारे लिए एक स्पेशल चाय लाओ। जय हिंद लखनऊ पुलिस। ए, अरे बिल्लू कल तुम यही सोए थे क्या? ए बिल्लू, कहीं पे भी सोया मिलता है तू? आदमी एक हिसाब है। ए निकल, चाय पीने आया हूँ। ए मुझे चाय, बदनाम चाय। अरे ये क्या है पुष्पा जी, ये तुम सबकी हालत ऐसे मशीन में निकले हुए गन्ने की तरह। है बिल्लू, ऐसे बात करते हैं, चूसे हुए आम जैसे क्यों लग रहे हैं, ऐसा पूछ। अब यहाँ कितनी देर बैठोगे, थाने में नहीं जाना है क्या? हमको नहीं जाना है? हमको नहीं जाना। आप बोलो। क्या बोलू? हाँ मेरा ठीक है, आपका खराब है मशीन। बहुत सही, हमको अंदर नहीं जाना। हमको अंदर नहीं जाना। एक मिनट, अरे बोल रही है कि उनको अंदर नहीं जाना है। मिश्री मैडम उन्हें कोई दूसरा काम दे देंगे, उनकी जिंदगी हराम हो जाएगी। हे परमात्मा, ये अंदर जाना नहीं चाहते और मुझे अंदर जाने नहीं देते। धैर्य बिल्लू धैर्य, निकल ना निकल। हमको तो लगता है ना ये जो नहीं है ना। हेलीकॉप्टर 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 हेलीकॉप्टर। हाँ बैठे की बड़ी तमन्ना है। हाँ फिर सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र सुदर्शन चक्र। आइए डम शराब खेलते। पुष्पा जी सी हिंदी इंग्लिश फ्रेंच। हिंदी 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 हिंदी। दो स्टार। हाँ क्वाली। हाँ ये जो मैडम आई मिश्री 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 मैडम जो आई है दो स्टार वाली। हाँ ओ जरूर जरूर जरूर। कोई नया कांड दे, कांड करेगी ना, कांड करेगी, कांड करेंगी। सवास बिल्लू सवास। वही तो, मैंने भी उनको बोला कि मैं हसीना मैडम का मैं एकदम खास आदमी हूँ, तो मुझे बाहर निकाल दिया। पुष्पा जी कुछ तो गड़बड़ है। अरे यार हमें इस सब के बारे में मैडम सर को बताना चाहिए। अच्छा तो आप लोगों को लगता है कि मिश्री मैडम जानबूझ के आपको परेशान कर रही है और ठीक से ट्रीट नहीं कर रही। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये इनके काम करने का तरीका हो और बाकी सारी बातें सिर्फ आपके दिमाग में। पुष्पा जी मैडम सर एक बात बताइए, अब 4000 फाइल केस में से त्रिपाठी के रिश्तेदार को ढूंढ कर निकालने का क्या मतलब है? नहीं त्रिपाठी तो सामने है ना, उसके रिश्तेदार लोग इसे जड़ खोद कर निकालने से क्या फायदा होगा? आपको क्या हुआ? पुष्पा जी मैडम सर इनके कहने का मतलब है कि पूरे शहर में हर एक के घर में फोन कर करके पूछने का मतलब क्या होता है कि आपके घर पे नकली दूध आया कि नहीं आया। बेचारी पुष्पा जी हर जगह फोन कर करके सिग्नल पकड़ पकड़ कर बोल बोल कर इनकी बोलती बंद हो गई है। अब जब ये घर जाएंगी तब वहाँ इनकी बहू करिश्मा मैडम
वो तो इस मौके का पूरा फायदा उठाएंगी और ये तो कुछ बोल भी नहीं पाएंगी, इनको तो बस उनकी माननी पड़ेगी, तो ऐसे कैसे ये केस सॉल्व होगा। संतोष शर्मा, तरीका चाहे जो भी हो, ये मत भूलिए कि ये आपकी सीनियर है। अब जाने भी दीजिए मैडम सर, हो जाता है कभी कभी, अभी अभी तो आए हैं, लग जाता है टाइम थोड़ा एडजस्ट होने में, और अगर फिर भी नहीं हुए तो डीसीपी साहब से कहकर कहीं और एडजस्ट करवा देंगे। खुद को ना रहेगा बास और ना बजेगी बांसुरी, तंटा ही खत्म है कि नहीं। सॉरी मैडम सर, वो हमारे इन्फॉर्मर का मैसेज आया है, ये बात करना चाहते थे हम आपसे कि उसने कहा है कि वो जो निवास त्रिपाठी है वो तो दो हफ्ते से शहर में ही नहीं था, वो आज आ रहा है कोलकाता से 7 बजे की फ्लाइट से। एक काम करिए, तुरंत एयरपोर्ट अथॉरिटी को कॉन्टेक्ट कीजिए, उनको केस की सारी डिटेल्स दीजिए और रुकवाइए उस त्रिपाठी को। जी। कहिए कि उसकी पूरी चेकिंग करें, उसके लगेज में एक एक सामान अच्छे से चेक करें। जी। हो सकता है वो दूध में मिलाने वाले केमिकल साथ ही ला रहा हो, और अगर नहीं भी लाया हो तो कोई ना कोई और सबूत तो मिल ही जाएगा। जी ठीक है, आप रोकिए, बात करिए, और अगर नहीं होता है तो हमारी बात करवाइए। अरे नहीं नहीं मैडम सर, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारे मौसा जी है ना एयरपोर्ट अथॉरिटी में, वो करवा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, ओके फाइन देन, गेट टू वर्क। जी। क्या हम जाएं केबिन से? नहीं मैडम सर, हम अरे हम जाते। आइए आइए आइए। तो हो गई तसल्ली, कर ली कंप्लेन, क्या हुआ, कुछ भी बिगड़ा हमारा? खाम खैर मूड का अंतिम संस्कार कर दिया तुम लोगों ने, चलो जाने दो। पुष्पा जी, आप वो लिस्ट दिखाइए जिन जिनको आपने फोन किया था, और तुम दोनों वो लिस्ट निकालो जो निवास त्रिपाठी के रिश्तेदार है, नहीं है, हो सकता है, जो भी है दिखाओ, चलो। इधर है, अब क्या बोलना चाह रही हो? एक सेकंड पुष्पा जी रुकिए, हम बताते हैं, हमको बोलिए क्या बोलना चाह रही हैं, फिर हम बोल देंगे। हाँ हाँ, हे भगवान, पुष्पा जी क्या बोल रही हैं आप, ये सीनियर है हमारी, सोच समझ कर बोलिए आप। हाँ अरे लेकिन ये बोल क्या रही है, पगलेट बोल रही है। कह रही है कि आप जैसी बेवकूफ औरत आज तक नहीं देखी। बड़ी मेहनत से हमने ये लिस्ट बनाई है, सबसे हम यही कहना चाह रहे थे, समझ रहे हैं? सब समझ रहे हैं हम। तुम दोनों ये लिस्ट जो पुष्पा जी ने बनाई है, इन सारे नंबर पे दोबारा से फोन करो और ये कंफर्म करो कि उन्हें ये सवाल ठीक से पूछा गया है या नहीं, कि उनके दूध में मिलावट थी या नहीं। और आप पुष्पा जी, ये लिस्ट जो इन दोनों ने बनाई है, आप रिकॉर्ड रूम में जाएंगी और सारी फाइलें वहां पे क्रॉस चेक करेंगी और देखेंगी कि निवास त्रिपाठी का कोई भी रिश्तेदार इस लिस्ट में आने से रह तो नहीं गया, और हमेशा की तरह ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी। चलते हैं। आपके अभी पाउडर वाला नकली दूध सप्लाई हुआ है, सिंथेटिक का? हाँ सर हाँ, कभी आया है नकली दूध आपके घर पे? अरे भैया सुनिए सुनिए, हम पुलिस वाले बोल रहे हैं, दूध वाले थोड़ी बोल रहे हैं। क्या रेट चल रहा है, मतलब है पुलिस का रेट पूछता है?
अरे तो दूध वाले थोड़ी की दूध का रेट बताएंगे हम तुमको। देखो बेटा देखो, हमसे ना फालतू चकल्लस करना मत तुम, समझ रहे हो ना, इतना मारेंगे ना कि छट्टी का दूध थोड़ी करेगा। छोड़ दे, बस बस बस, छट्टी कभी नहीं, आराम से लग रही है, बहनी बहनी हाथ साफ कर रहा है। भाई क्या चल रहा है? तो आप हैं इस थाने के नए सब इंस्पेक्टर मिस्त्री जी? क्या बात है, नाम और चेहरे का क्या परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, बोलने में भी मिस्त्री और दिखने में भी मिस्त्री। पुराना डायलॉग छेप रहा है, हसीन मैडम को पहली बार मिला तो यही बोला था। हाय, आई एम सनी चड्डा रिपोर्टर, पर आज मैं खुद एक रिपोर्ट लिखवाने के लिए आया हूँ इस आदमी की। इसने मेरा पर्स चुराया मैडम, आप फटाफट इसकी FIR लिखिए और अंदर करिए इसे। ये तुमको कहीं देखा है हमने मिस्त्री मैडम? मिस्त्री मिस्त्री मैडम, आप इतनी जल्दी भूल गए मुझे? अरे कल ही तो आपने मुझे घर से मतलब लॉकअप से बाहर कर दिया था। बिल्लू द स्पाय, हसीना मैडम का खास आदमी। बिल्लू जी हाँ। अब देखो इसमें क्या है, आप शक्ल से तो लगते हो हमको जेंटलमैन हाँ। अब जेल का तो आपको पता ही है कि ना ही कोई जेंटल होता है, फिर ना ही कोई रहता है मैन। बहुत बड़ी दुर्गत हो जाएगी, हम बता रहे हैं आपको। ऐसे में तो भगवान भी नहीं बचा पाएगा। एक काम करते ना, भगवान से ही पूछ लेते, अगर हेड आया तो 5,000 देना और निकल लेना ठंडे ठंडे। लेकिन अगर टेल आया तो भाई समझ लेना कि इस बार तो भगवान का भी मूड नहीं है आपको बिल्कुल बचाने का। तो ये रहा मेरे मेरे मेरे, इतनी छोटी सी बात के लिए भगवान को क्यों तकलीफ देना, अब मुझे अंदर कर दो बस, मुझे अंदर जाना। अरे बड़े अजीब आदमी हो यार, हम यहाँ तुमको बचाने की बात करें और तुम? नहीं नहीं, मुझे मत छोड़ो, मुझे अंदर जाना है, मुझे बाहर नहीं जाना है, मुझे अंदर कर दो। अरे अच्छा चलो ठीक है, खुद ही लिखो अपनी FIR। इतना सम्मान एक चोर को किसी थाने में मिला होगा, अपनी FIR खुद। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी रिपोर्टर साहब, लिखाओ अपनी रिपोर्ट। अब आप कह रही हैं मैडम तो करवा देते हैं। करो। हाँ भाई बिल्लू लिख। हाँ हाँ, तो मैं नूरपुर से गुजर रहा था। मैं नूरपुर से गुजर रहा था तो अचानक से किसी ने मुझे पीछे से पकड़ लिया और मेरी जेब में से मेरा पर्स निकाल लिया। पर्स कहाँ पहले निकला? मैं पीछे से ऐसे दबोचा, फिर गले की सोने की चेन निकाली। हाँ हाँ हाँ, चेन खींच ली, सोने की थी मैडम, और फिर मेरा पर्स निकाल लिया। पर्स नहीं रे बाबा, उसके बाद अंगूठी, फिर ब्रेसलेट, फिर घड़ी, उसके बाद पर्स चुराया। हाँ हाँ हाँ, सब लिख दे, तुझे तो याद है ना? मैंने चुराया तो मुझे याद होगा ना। अरे बस भी करो यार, हो गया। लिखो इंडियन पीनल कोड सेक्शन 294 के तहत में ये केस दर्ज होता है। दर्ज किया जाता है। साइन हम करेंगे। लाइए हम साइन कर देते हैं। अरे अरे वो लिखना नहीं है, इधर लाओ रजिस्टर, साइन हम करेंगे मतलब। अच्छा अच्छा, तो इसको निकाल देते हैं। हाँ भाई चलो, हो गई तुम्हारी FIR दर्ज। गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद। जीती रहे, पीती रहे, हमें जीती रहे, पैर छुए ना, आशीर्वाद दे रहे तुमको। आवाज को क्या हुआ आपके? गई। कहाँ गई? फट गई। कम सुनाया कीजिए ना लोगों को। लल्ला कहाँ है? आए नहीं अभी तक। कितना काम करता है बेचारा। गोविंद बल्लभ पढ़ रहे हैं? नहीं, करारे कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं पुष्पा जी, और आपका ये जो बमबारी है इससे इससे हमें डिस्टर्ब हो रहा है। ना कुछ तो करें इस आवाज का, बोला तक नहीं जा रहा है हमसे, और ये सब हुआ उस नासपिटी सीनियर की वजह से। मिस्त्री मैडम, काम धाम तो कुछ आता नहीं है, बस ऑर्डर देने से मतलब है। अरे पूरा दिन फोन कर कर के नेटवर्क पकड़ते पकड़ते ऐसी हालत हो गई हमारी आवाज की, पता नहीं ऐसे कैसे नाकाबिल लोग भर्ती हो जाते हैं पुलिस में। का हुआ?
अंडा अंडा कहीं तो अंडा बना है। अम्मा ये पड़ोसी अपना ये टोपा कहीं के रोज अंडा बना रहे हैं, आजकल रोज का हो गया इनका। नहीं नहीं मगर वो तो कोरोना की वजह से कब के गांव गए हैं। अच्छा तो दूसरा पड़ोसी बना रहा होगा, आपको कहा करना है अंडा का पीछे काय पड़ गई है। नहीं नहीं कहीं तो अंडा बना है, अंडे का जो बदबू है ना हमको परेशान कर रहा है। हाँ पुष्पा अरे अंडा का कुछ नहीं है। अरे वहां नीचे कहा आप कुछ कर रही है, कुछ नहीं है। क्या है ये अंडा? किसने रखा? आपके लल्ला ने ही रखा होगा ना। झूठ मत बोलो हमसे, समझी ना। हे भगवान घर में अंडे और वो भी सावन के महीने में, घोर अनर्थ। पूरा का पूरा घर अपवित्र करके रख दिया हमारी बहू रानी ने। कैसी अधर्मी और भ्रष्ट बहू मिली है हमको भगवान, जो अंडा खा रही है छुपा के। पुष्पा जी अरे क्या किया आपने और क्या इतना बवाल हो रहा है, अंडा ही तो है पूरा, दुनिया खा रहा है अंडा। तो दुनिया के पास जाके बैठो और खाओ अंडा, हमारे घर में नहीं। देखिए पुष्पा जी, पुष्पा जी नहीं अम्मा है हम तुम्हारे, और वैसे भी जो बोलना है ना अभी घर के बाहर जाके बोलो। छोड़िए क्या कर रही हैं आप, ये हमारा घर है। देखो पढ़ो पुष्पा सिंह हेड कांस्टेबल, और यहाँ वही होता है जो हम चाहते हैं, समझी ना। हाँ हाँ माँ पता है आपका ही घर है, कितना सेम डायलॉग बार बार हमें चिपकाइएगा, और कहा है कहा देख रहा है, भाग यहाँ से घुसन मारेंगे भाग। कितना ये आप ओवर एक्टिंग करती हैं हमारे साथ। हम एक मिनट हम ओवर एक्टिंग हमारे साथ बात कीजिए एक मिनट। हाँ हाँ ठीक है धन्यवाद। नहीं अम्मा इन्फॉर्मर का फोन था हमारे, वो त्रिपाठी है ना उसको लेके बहुत इम्पोर्टेंट लीड मिला है। अच्छा क्या है? आप हम सोच रहे हैं कि ये जो अंडे वाला मामला जो चल रहा है अगर आप ये सुलटा देती हैं तो हम आपको लीड बता देते हैं। बताइए इतना सस्ता नहीं है हमारा सम्मान। और वैसे हमको भी पता है वो जो त्रिपाठी है ना आज शाम को 7 बजे कोलकाता से आ रहा है फ्लाइट से। हाँ ठीक है जाने दीजिए छोड़िए। सुनो ना जी, घर की बहू ऐसे बाहर बैठ के बात करे तो अच्छा नहीं लगता ना, अंदर चल के बात करो अपने घर में। चल चलो। वैसे लीड क्या है? लीड ये है अम्मा कि वो त्रिपाठी है ना वो आने वाला नहीं है, आ चुका है सुबह ही। 18 नंबर की कच्ची दुकान नहीं है अम्बेडकर पार्क के पीछे, वो इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा, वहां छुपा है। अच्छा संतु जी। हाँ मैं संतु। मैडम सर पूरा कारखाना खाली, अंदर कोई नहीं है। क्या? हाँ ऐसे कैसे हो सकता है, करिश्मा सिंह की इंफॉर्मेशन गलत कैसे हो सकती है? हेलो पुष्पा जी और संतोष जी क्या हाल है? अरे कमर दर्द इतना हो रहा है ना यार। अरे यार हाँ तो पुष्पा जी कैसी रही आपकी रेड?
कुछ हाथ नहीं आया। नील बटा सन्नाटा। मस्त फिल्म थी। ए, पर ये फेक इन्फॉर्मेशन भी तो हो सकती है। बिल्कुल नहीं, ये इन्फॉर्मेशन हमें हमारी बहू रानी से मतलब करिश्मा मैडम ने दी थी और उनका नेटवर्क बहुत अच्छा है। अरे छोड़िए ना पुष्पा जी, आदमी तो है एक, मिल जाएगा। और संतोष जी आज आप बड़ी अच्छी लग रही हैं। है ना, मुझे भी लगा आज मैं बहुत ब्यूटीफुल लग रही हूँ यूनिफॉर्म में, इसलिए दो सेल्फी पहले ही ले ली थी। अरे वाह, सेल्फी ली ना, अब हम दोनों मिलके एक फोटो ले लेते हैं। पुष्पा जी, हम अंदर से पिस्तौल लेकर आए क्या? क्यों? तो क्या है ना कि करिश्मा मैडम बोल रही थी ना कि उनका पिस्तौल ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो लाकर एक बार देख लेते ठीक से चल रहा है कि नहीं। अरे बैठो महाराज बैठो, आओ चीते बैठो, आराम से। मैं तो बस यहाँ पर संतोष जी के लिए एक तोहफा लेकर आया था। मेरे लिए? आपके लिए। इम्प्रेसिव, तुमने बनाया ये? हाँ हाँ मैंने बनाया। अरे चीते की कसम, ये देखो। अरे वाह क्या बात है सनी, बढ़िया। ये तो सच में बहुत अच्छी है सनी। अब दिल से निकली हुई हर चीज सुंदर ही होती है ना संतोष जी। बिल्कुल आपकी तरह। तुम्हारे दिल का भरता पड़ना पड़ रहा है। पुष्पा जी आइए, आपसे अकेले में कुछ बात करना है। हम अभी आते हैं, बताइए। देखिए हम जानते हैं कि आपका रेड फेल हो गया है, हमारे बताए पते पर आपको कोई नहीं मिला, लेकिन आप भी बहुत अच्छे से जानती है पुष्पा जी कि हमारी बताई इन्फॉर्मेशन कभी गलत नहीं होता है। हाँ, इस बार भी नहीं था, त्रिपाठी आया था लेकिन आप लोगों के पहुंचने से पहले उसको किसी ने इन्फॉर्मेशन दे दी है कि आप लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। मतलब हमारे में से तो किसी ने बात लीक की है भैया। मतलब आपको लगता है कि पुलिस स्टेशन में से ही किसी ने उनको? तो हम का बोले और पुष्पा जी, हमारे 6 लोगों के अलावा और किसको पता है? आप, हम, ये संतोष, ये टोपा, मैडम सर, और वो आई है ना नई जुगाली जो करती रहती है वो। हमको तो लगता है ना आपको ये बात हसीना मैडम को बतानी चाहिए, वो भी तुरंत। हम नहीं बता रहे हैं हसीना मैडम को कोई भी बात, और हम उनके लिए नहीं कर रहे हैं कुछ, हम ये आपके लिए कर रहे हैं और इस थाने के लिए कर रहे हैं। बाकी जिसको बताना जाके बताइए, हमें क्या, हम तो छुट्टी पर हैं। पुष्पा जी, मैडम सर का मैसेज आया, हम सबको अंदर बुला रही हैं और सनी को भी। चलो। ये आपने लिखवाया? क्या है मैडम? ये वो कंप्लेन है जो तुमने लिखवाई है बिल्लू के खिलाफ। हाँ जी, तो हमें एक बात समझ नहीं आ रही, बिल्लू ने तुम्हें मोलेस्ट कब कर दिया? मोलेस्ट? मोलेस्ट? वाओ! मैडम सर इसका मतलब क्या है? इज्जत पे हाथ। इज्जत पे? और वो भी चट्टे की इज्जत पे? उसकी इज्जत है का? चट्टे, इतनी किच्ची गिरी हुई वाहियात बात तेरे घटिया दिमाग में आई कैसे? बेटा रिपोर्ट तूने लिखी थी, मैंने नहीं, भूल गया? मैडम कोई गलतफहमी हुई होगी, अरे मैंने तो इसके खिलाफ मेरे पैसे लूटने की रिपोर्ट लिखवाई थी, मेरी इज्जत नहीं। और मिश्री मैडम थी वहां पे, उन्होंने तो धारा लगा के साइन किए, ये देखो। क्या हुआ मैडम सर? ये आपके दस्तखत हैं? जी हाँ बिल्कुल हमारे ही है। ये सेक्शन 294 आप ही ने लिखा है? हाँ लिखा, नहीं लिखा इन्होंने है पर लिखवाया हमने है। क्यों, क्या हुआ? एक बात बताइए, सेक्शन 294 किस जुर्म के लिए लगाया जाता है? चोरी, छीना झपटी और राहजनी के लिए। Are you sure कि इन सारे अपराधों के लिए सेक्शन 294 लगाया जाता है? सेक्शन 294 ही लगता है मैडम, इसीलिए लिखा है हमने। सेक्शन 294 लगाया जाता है मोलेस्टेशन के लिए, अटैक ऑन अ वुमेन्स मॉडेस्टी, उसकी परमिशन के बिना उसे छूने के जुर्म में, उसकी इज्जत पर हाथ डालने के जुर्म में लगाया जाता है सेक्शन 294। और जिन अपराधों की आप बात कर रही हैं, छीना झपटी राहजानी, उनके लिए लगाया जाता है सेक्शन नंबर 379 और उसके लिए सजा मिलती है 3 महीने से लेकर 3 साल तक।
15 साल से इस लाइन में हूँ। ये बात बिल्लू तक को पता है, लेकिन आपको नहीं पता। मैडम सर, अभी अभी बाहर करिश्मा मैडम ने बताया कि निवास त्रिपाठी को पहले ही पता चल गया था कि हम वहाँ रेड मारने वाले हैं, और इसीलिए पूरे तामझाम के साथ वो वहाँ से गायब हो गया। और करिश्मा मैडम को पक्का यकीन है कि ये खबर हम सातों में से ही किसी ने त्रिपाठी को दी है। क्या सोच रहे हैं आप मैडम सर? सोच रहे हैं कि इस पोजीशन और इस पोस्ट के लिए आप कुछ ज्यादा ही होशियार और काबिल हैं। इस तरह के ओवर स्मार्ट लोगों की हमें इस थाने में जरूरत नहीं। जितनी जल्दी हो सके हम यहां से आपका ट्रांसफर करवा देंगे। मैडम सर कि हम माता रानी के बहुत बड़े भक्त हैं। हमें लगता है कि माता रानी की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, तो उन्हीं से पूछ लेते हैं कि वो क्या चाहती है। देखिए, अगर टेल आया तो हम खुशी खुशी यहां से निकल लेंगे, लेकिन अगर हेड आया तो फिर समझ लीजिएगा कि अब तो माता रानी भी यही चाहती है कि हम यहां से कहीं और ना जाए। और जब माता रानी नहीं चाहती तो फिर आप तो क्या मैडम सर, किसी का बाप भी हमें यहां से नहीं निकाल सकता। लगा लीजिए आपको जितना जोर लगाना है, हम तो यही हैं। ये देखिए, माता रानी ने भी जवाब दे दिया, हेड आ गया, अब तो हम यही हैं मैडम सर, हम तो कहीं नहीं जाने वाले। वाह, क्या बात है, मतलब एकदम मजा आ गया। एक ऐसा इन्हें आपको चैलेंज कर दिया। अब आप बताएंगी कि आपकी जो प्रवचन है वो हम पर ही चलते थे क्योंकि हम सुन लेते थे। अब साबित कीजिए, इस चुनौती का जवाब दीजिए। हम भी तो देखे दरिया में कितना पानी है और कितना आग है। वैसे तो उसूलन हम मक्खी और मच्छर मारने के लिए बंदूक का इस्तेमाल नहीं करते, फिर भी तुम्हारा यह चैलेंज मंजूर है। अब देखते हैं तुम्हारे इस ट्रांसफर को कौन रोकता है। देख लीजिए मैडम सर, आप भी यही हैं और हम भी।